तो पहले इधर चलते हैं। अभी मैं यहाँ पर आई थी 14 अगस्त के लिए, कोई ड्रेसेज ही नजर नहीं आ रही यहाँ पर, देखे छोटे छोटे बच्चों के। गाइस मैंने अपने हस्बैंड के लिए चेन तो ले लिया, मुझे नहीं पता उनको पसंद है कि नहीं। पिक्चर तो सारे लगे हुए हैं, अब देखते हैं कि ये पिक्चर जो जो चीजें हैं वो अंदर है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माई फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग इनसे स्टार्ट करते हैं और आगे की जो भी रूटीन होगी वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि मैं जल्दी से जल्दी 100K सब्सक्राइबर्स हो जाए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी होंगे। आज जुम्मे तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अभी मैं जुम्मे की नमाज अदा करके आई हूँ, मैं सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं और आपसे थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। आज मैंने बनाई है हरी तुरी जो कि अभी रेडी हो गई और रोटी भी बना के मैंने रख दी है और हमारा किचन का काम जितना भी था वो सारा खत्म हो गया है। अभी हो गया शाम का टाइम और अभी मौसम भी ठंडा है, तो मैंने सोचा चलते हैं 14 अगस्त की कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आते हैं। 14 अगस्त को भी अब थोड़े से दिन ही रह गए हैं, तो चलते हैं टाइम से शॉपिंग करके आते हैं, बाद में रश बहुत ज्यादा हो जाएगा और टाइम भी नहीं होगा। तो अभी चलते हैं 14 अगस्त का ड्रेस लेने और इसके लिए थोड़ी बहुत चीजें और भी लेने तो वो भी चल कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेडी हो जाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। चले जी, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी चलते हैं जल्दी से मार्केट, कहीं हमारे जाने से पहले मार्केट बंद ना हो जाए। तो मिलते हैं आपसे मार्केट पहुँच कर। फर्स्ट टाइम सदर मार्केट, तो अभी चलते हैं आगे विजिट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और अभी मैं जाने लगी हूँ अंदर, तो पहले इधर चलते हैं। अभी मैं यहाँ पर आई थी लेकिन यहाँ पर कुछ ही समझ नहीं आया तो आगे, क्योंकि 14 अगस्त के लिए कोई ड्रेसेज ही नजर नहीं आ रही यहाँ पर, देखे छोटे छोटे बच्चों के हैं लेकिन हमारे नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों के हैं बड़ों के नहीं है जी। तो अब हम आए थे दूसरी मार्केट, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना लड़कों के कपड़े हैं, लड़कियों के नहीं है। अब आगे चलते हैं देखते हैं या नहीं है हमारे, वरना दूसरी मार्केट भी जाना पड़ेगा। जा रहे हैं आगे, कोई आगे मार्केट भी है लेकिन ये मार्केट भी बंद लग रही है, चल कर देखते हैं आगे कि खुली है कि नहीं। ये वाला मॉल भी बंद है और मुझे लगता है आगे जो है ना ओपन है मार्केट वगैरह, तो आगे चलते हैं। देखें भाई बच्चों के कपड़े हैं और कितने मिल रहे हैं, 350 रुपए के मिल रहे हैं बच्चों के कपड़े। 14 अगस्त के लिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई हैं। अपने हस्बैंड के लिए एक चेन लिए, मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली है। गाइस मैंने अपने हस्बैंड के लिए चेन तो ले लिया, मुझे नहीं पता उनको पसंद है कि नहीं, बस एक शॉर्ट के लिए जो है ना मैंने चेन लिए। बाकी मार्केट होने लगे बंद तो कल ही आएंगे और शॉपिंग वगैरह करेंगे दिन के टाइम, तो अभी चलते हैं घर। और यहाँ पर देखें हर जगह पर बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कपड़े हैं और बस लड़कों के हैं, लड़कियों का तो बिल्कुल ही नहीं भाई। यहाँ की पूरी मार्केट जो है ना बंद हो गया, बस एक सामने वाली शॉप ओपन है। सेफ्टी भी है तो रात को जो है ना आप आ सकते हो आराम से। अब चलते हैं हम घर। ये 3 तलवार है और इसके साथ जो मार्केट है ना वहाँ पर हम कल चलेंगे, वहाँ से शॉपिंग करेंगे। साइड पर भी एक मार्केट है, ये भी काफी बड़ी है लेकिन अभी जो है ये मार्केट भी बंद होने वाली है। अभी जय मार्केट से होकर और अम्मी भी आ गई हैं ऑफिस से और अब्बू भी आ गए। सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुनाएं? मैं ठीक। अम्मी आप सुनाएं? आज दिन कैसा गुजरा आपका ऑफिस में? जबकि तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या खैरियत है? अच्छा दांत में दर्द है। अम्मी आपको डॉक्टर के पास ले चले, दांत में ज्यादा दर्द है तो मेडिसिन दी है फिर आपने खाई है अभी? सुबह शाम। ठीक है। अम्मी आपने रूम देखा 7 वाला? हाँ। कैसा लगा आपको? रात को देखा होगा, अच्छा लग रहा है ना, खाली खाली साफ हो गया ना जी। अभी कल परसों तक सेटिंग करेंगे ना, सामान से सजाएंगे ना रूम, तो फिर अच्छा लगेगा। मैं उनके किरायेदारों के घर गई थी ना, उनका घर से सेम से मेहमान तरह है ना। अच्छा। वो मिला लड़का अभी गई थी ना उनके घर, तो उन्होंने इनको ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। अच्छा। एक सोफा ऐसे रखा हुआ है खिड़की के साथ, 2 सोफे उधर रखे हुए हैं, इस तरफ क्या रखा हुआ है, टेबल होगी या कुछ कारपेट वगैरह बिछाया हुआ होगा शायद। वो है भी अच्छे लोग पढ़े लिखे जी, लग रहा था इस तरफ कुछ और रखा हुआ था याद नहीं आ रहा, और उस तरफ एक बड़ा सोफा रखा हुआ था, इस तरफ उस तरफ 2 छोटे। अच्छा चलें अम्मी, आप तो सुबह जाएंगी लेट क्योंकि सुबह सैटरडे है ना, 9-10 के करीब जाएंगी आप। और अभी मैं निकालने लगी हूँ ये वाला बॉक्स क्योंकि इसके अंदर है वॉशिंग मशीन और बाकी भी चीज़ें हैं,
क्योंकि अभी जब मुझे इन चीजों की जरूरत है तो अभी ये निकालते हैं और कुछ बनाना है तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी जाइए जूसी मशीन वाले बॉक्स से, ये मैंने निकाल ली है और अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और ये गिफ्ट था और गिफ्ट दिया था मेरी खाला ने, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस यहाँ से देख कर तो लग रहा है बहुत सारी चीज़ें, पिक्चर तो सारे लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये पिक्चर जो जो चीज़ें हैं वो अंदर हैं या नहीं, तो अभी तक ये ओपन ही नहीं हुआ। इतने सारे पेपर लगाए हैं यहाँ से, तो भाई फुल फुल ही लग रहा है। तो फाइनली ये ओपन हो गई है और सबसे पहले यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं और इसके बाद ये डायरी भी, अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आएगी तो हम यहाँ से समझ भी लेंगे और जान भी लेंगे। अभी इसको उठाते हैं और इसके नीचे देखते हैं। सबसे पहले तो है ये जूसर मशीन और इसके अंदर भी कुछ है, कलर तो प्यारा है ब्लू कलर और इसके अंदर भी है। अब पता नहीं ये क्या है, अभी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं और उसके बाद डायरी से जानेंगे क्या चीज़ें। और ये भी है, ठीक शुरू पड़ी मुश्किल से निकलना। ये मुझे लगता है कि ना इसमें कोई चीज़ें ग्रैंड की जाती हैं, पता नहीं, ये तो मुझे आसानी से पता है इसमें जूस बनाया जाता है। बॉक्स को देख सकते हैं और कुछ नहीं होगा, बॉक्स हो गया खाली। ये हो गई भाई जूस बनाने वाली, ठीक है ये भी जूस बनाने वाली ही है। जूस इसमें मिल्क शेक भी बनता है, छोटी चीज़ें। और इसका मुझे समझ नहीं ये क्या है और ना ही इसका समझ है, कभी देखते हैं डायरी उठाते हैं। और कुछ चीज़ें ये भी हैं, ये इसका नहीं, ये इसका तो नहीं है। और इसके अलावा ये, और गाइस ये रही वो मेन चीज़ जो हमें चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर अभी मुझे बनाना है पाउडर। ये ओपन किस होती है, अरे ये तो ओपन ही नहीं होती, कैसे होती है। अच्छा खैर अभी रखते हैं। और इसके अलावा ये भी है, मुझे लगता है ये जो है इसकी है और ये जो कटिंग का कुछ है ना सामान वो इसका है, बाकी ये चीज़ और ये चीज़ जो है ना पता नहीं किस चीज़ की। अच्छा गाइस तो आराम से हम डायरी रीड करेंगे और आराम से समझेंगे, अब ये अचानक से समझ नहीं सकते क्योंकि अभी एकदम हम समझ नहीं सकते और टेढ़ा बड़ा काम ना जाए, उससे अच्छा है कि हम आराम से समझें और आराम से काम सर अंजाम दें। तो फिलहाल मैं ये चीज़ चाहिए थी क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जो है ना मैंने ये प्यारा सा गिफ्ट ओपन किया और माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं। तो मेरी दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। तो अब मैं सोची कि लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर नहीं लगेगा, इसको खोलते शायद इस पर ही लगेगा। क्योंकि गाइस हमारी जो जूसर मशीन थी ना वो थी ऐसी, मतलब जैसे ये है ना इसके ऊपर ऐसे ही थी जूसर मशीन, और जो इसके नीचे वाली मशीन होती है ना जिसके ऊपर ये लगाई जाती है वो अलहदा थी, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो भी मुझे लग रहा है कि ये ना इसके नीचे भी खोलनी पड़ेगी। चलें जी तो ये पहले तो लॉक थी, अब जो ना खुल गई है तो इसे खोलते हैं सही से, तो अब इसे लगाते हैं, चेक करते हैं कि लगती है कि नहीं। अच्छा लग गई, लग गई, लग गई, शुक्र लग गई। और अब जो हम ये बटन दबाएंगे ये चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्या ये स्विच भी लगाना है। और मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि हम किस चीज़ का पाउडर बनाएंगे, तो वो भी मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि किस लिए बना रही हूँ। गाइस ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, तो नहीं चलती कि नहीं, डर भी लग रहा है, तो भी इसमें पढ़ते हैं और चलाते हैं। ये हो गया, भैया चला क्यों नहीं रही, मैं समझ नहीं आ रही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चल गई है, ये दरअसल फिक्स नहीं होती सही से, क्योंकि हमारे यहाँ जो मशीन थी ना उसकी जूसर मशीन अलग थी, मतलब जूस बनाने वाली अलग थी और चीज़ें पीसने वाली मशीन जो थी वो अलग थी नीचे वाले, ठीक है। तो ये ना ये सेम ही है, इससे सारी चीज़ें ही होती हैं, तो इसलिए मुझे ना समझ नहीं आती। और अभी जो ना फिक्स हुई है सही से और लॉक हुए और फिर जाके चलिए अभी चला के दिखाते हैं। अब तो सही है कि चल रही है, और यहाँ पर देखिए मैंने एक डायरी खोली थी लेकिन भी मुझे समझ नहीं आ रही थी सही से, फिर मुझे याद है यहाँ पर लॉक जो है ना एक ऐसे जो लॉक करना होगा उसके बाद ये चलेगी। तो अब जो हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं मेन काम। और गाइस ये भी है चीज़ें पीसने वाली छोटी सी, और ये कांच की है, भारी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी ना नीचे वाली नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये लग नहीं सकती, इसके नीचे वाली अगर होती ना तो ये भी बहुत अच्छी है और काम की चीज़ है।
खैर ये भी कोई कम नहीं है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और अभी जो जिस चीज का मैं पाउडर बनाया तो वो बना के अब देखते हैं कितना अच्छा पाउडर मैं बना के देती हूं। गाइस ये भी बड़ी मुश्किल हो मिन्नतों से जाके ओपन हुई है और मैंने इसको वॉश करके कपड़ा भी लगा लिया और अच्छे से सूख गई है। तो अभी जो हम इसमें डालेंगे ये काले चने भुने हुए और इनका छिलका जो नहीं था ना इनका पाउडर बनाना है। और ये पाउडर जो है हम मिल्क शेक जब बनाएंगे मिल्क शेक तो उसमें ये ऐड करके फिर अब्बू को देंगे क्योंकि अब्बू को बहुत पसंद है इसका पाउडर। तो अब्बू की फरमाइश पर ये पाउडर बनाया जा रहा है और अभी इसमें चने डाले तो अभी इसको बंद करके हम लोग भी बैठते हैं। वैसे चने इतने मज़े के भुने हुए देख रहे बस मैं खाती रहूँ पाउडर भी बना के पाउडर बना के जल्दी से वरना अब्बू कहेंगे क्या अंदर से मुझे पाउडर बनाना पड़ेगा फातिमा को नहीं देना पाउडर बनाने के लिए तब आराम से हो जाना। ये बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर तो आई ये फर्स्ट टाइम ऐसी मशीन देखी है मैंने जिसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हर जगह इसे लॉक करना पड़ता है। यहाँ पर लॉक करो फिर उधर भी लॉक करो। वाह भाई इतनी जल्दी जो है ना इसने इतना अच्छा पाउडर बना दिया। अब इसे खोलते हैं आराम से तो भी इसे बार बार लॉक करना पड़ता है यहाँ लॉक करो वहाँ लॉक करो और ये गर्म भी हो गई है यहाँ पर थोड़ी बहुत। एक तो गाइस इसका ये नहीं खोलना होता इसका ये खोलना होता इसको घुमाना पड़ता है और जब तक इसको यहाँ पर आप लॉक नहीं करोगे ना तब तक ये नहीं चलेगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है। खैर ये जो हम छोटा सा बॉक्स लाए थे ना ये निकाल लेते हैं ये पाउडर हम इसमें डाल के रखेंगे। गाइस पिछले 10 मिनट से जाना हम इस मशीन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये खुल ही नहीं रही और दूसरा हमने इसमें चने का पाउडर बना लिया और अब चने का पाउडर ही बाहर नहीं आ रहा और ना ये मशीन खुल रही है। और अभी जो है अबू भी कोशिश कर रहे हैं। अबू बताएं लॉक खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? खुल रहा बेटा इसका कोई तरीका है कि ये खोलेगा मशीन वाला खोलेगा इसको लगता मुझे ऐसे। अब फिर चने का क्या होगा चने का पाउडर अंदर है कुछ नहीं हो तो खराब तो नहीं होगा चने का पाउडर जी खराब होने वाली चीज नहीं है बहरहाल इसका समझ नहीं आ रही की पहले जब मैंने इसे अच्छे से चेक किया आराम से पहले खोला ही खुल गई उसके बाद से वॉश कर सब कुछ ठीक फिर उसके जब मैंने चने डाले फिर से जब मैंने लॉक किया और जब ये चने का पाउडर बन गया तो खोलने के बाद तब से ही खुल नहीं रही पता नहीं से क्या हो गया। पहले तो लग नहीं रही थी मशीन में जब हमने मशीन में लगा दी मशीन चला दी और पाउडर आराम से बन गया तो अब जो है ये नहीं खुल रही फंस गई है चलने में ना जी फंस गई है कहीं। अच्छा दरअसल ये लॉक वाली है ना लॉक वाली है लोक वाले से ना ये फंस गए शायद। अच्छा अब मैं ये सोच रही हूँ कि ना सुबह किसी मशीन वाले के पास चलेंगे और उनको कहेंगे कि हमें समझा भी दें और खोल कर भी दें इस तरीके से हमें समझ भी आ जाएगी। डायरी में जो है ना बिल्कुल ये खोलने वाला तरीका या फिर बंद करने वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं है मैंने इतना देखा है बस ये लिखा हुआ है कि ये चीजें इसके साथ लगेगी इस तरीके से और इसका कुछ इस तरीके वाला कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसे बंद होगी या ऐसे ओपन होगी। तो सुबह जब हम मशीन वाले के पास जाएंगे तो वो हमें सही से बताएंगे कैसे बंद होती है कैसे खुलेगी और इसे किस तरीके से यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल वो बता देगा फिर जो है ना आप चलाना है इसको क्योंकि ये लॉक इसी का ये है अब इसको पता नहीं क्या है क्या करना है इसको ये समझ नहीं आ रही जी। ये देखा ये लॉक है इसका लॉक इसी का ये है लोग इसका इस तरीके वाला है कि मेरी जो उंगलियां वो थक गई हैं खोल खोल के तो अभी अब्बू जाग गए थे तो मैंने अब्बू को कहते हैं अब्बू हेल्प कर दे और अभी अब्बू से भी नहीं खुल रहा। जोर लगाएंगे ना जी टूट जाएगा प्लास्टिक है ना हाँ प्लास्टिक है तो ये वो बताएगा जो इसका क्या करना है जी क्योंकि आज तक जरा मैंने इस तरीके का कुछ भी यूज नहीं किया। चले अब फिर दे रहे मैं रख देती हूँ किचन में फिर सुबह चलेंगे और सीख के भी आएंगे समझ के भी आएंगे और खुलवा के भी आएंगे। खैर एक रात जना चने के पाउडर को इसके अंदर रहना ही पड़ेगा सुबह आजाद हो जाएंगे सुबह जो है ना जल्द मशीन वाला खोलेगा। आपके भी उंगली तक गए होंगे अब पता नहीं चल रहा है फंस गए कैसे फंस गए। ये देखें गाइस ये रहा गाइस लोग ये पीछे आएगा और उसके बाद जाके ये खुलेगी मना नहीं खुलेगी थोड़ी सी पीछे आई है बाकी पीछे नहीं आई। खैर अभी से चल के रखते हैं और ये पाउडर जो हमने बनाया था ना तो ये भी इसके अंदर ही रहेगा जी। अब जिस टाइम लिया था ना दुकान पे उस वक्त उसे खुलाना था और बंद करना था और उससे समझना था। अब ये मेरी खाला ने दिया है गिफ्ट। अच्छा अच्छा ठीक है जी ठीक ये तो पैक था बाहर से भी मुझे नहीं पता था ना इसलिए। यहाँ पर देखे मैंने किचन का क्या हाल कर दिया सिर्फ एक चने का पाउडर बनाना था और वही बंद हो गया लेकिन वो कैद हो गया। खैर अभी ये सारा सामान जो हम समेटते हैं
चलें जी, तो आज का वीडियो करते हैं पर एंड, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएगा, और जिन्होंने कर लिया तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ कर दो भाई, ताकि हमारे जल्दी से जल्दी 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएं और सिल्वर प्ले बटन जल्दी आ जाए। क्या बात है सर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टाटा अल्लाह हाफिज़।